सेटर्स दो अलग फिल्में हैं. चीट इंडिया जो फिल्म थी, चूंकि मैंने वो फिल्म देखी है, इट डेल्ट ओनली विद द एजुकेशन सिस्टम और उसमें जो चीटिंग होती है, उसमें जो माफिया है. सेटर्स डील्स विद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट माफिया बोथ, जो कि एक बहुत बड़ा रैकेट है देश में. मतलब अगर चीट इंडिया में, अगर जैसे वो अंग्रेजी में टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, तो चीट इंडिया अगर टिप ऑफ द आइसबर्ग था, तो सेटर्स वो आइसबर्ग है. मतलब जिस लेवल का रिसर्च इस फिल्म में गया है, वो इसको एक अलग फिल्म बना देता है. उसने शायद चीट इंडिया ने एक छोटा सा कोशिश की, जो अच्छी बात है. मुझे लगता नहीं कि इस तरह की चीज़ों में जब सिनेमा गोइंग ऑडियंस है वो ये देखती है. सिनेमा जिस तरह से हमारे देश में बनता है और लोग देखते हैं, अगर एक अच्छा सब्जेक्ट है और उसको अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रीट करके रियलिस्टिकली उस मॉडस ऑपरेंडी को अगर आप दिखा देते हैं, ऑडियंस उससे कनेक्ट कर लेती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस तरह के सब्जेक्ट पे कोई और फिल्म आई या नहीं आई. सो आई डोंट सी एनी सिमिलैरिटी वन, एंड आई डोंट सी एनी डिसएडवांटेज. एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक टू से द लीस्ट. लाइक आई सेड कि मैं पहली बार ऐसी कुछ कोशिश कर रहा हूँ टू प्ले अ ग्रेट कैरेक्टर एंड अ माफिया. सो द माफिया एसेंशियली हमारे जो डॉन है वो पवन जी है, एंड सो आर टीम वर्क्स फॉर पवन जी. बट उसके लिए एक तो थोड़ा यूपी का लहजा ज़रूरी था, बनारसी थोड़ी लैंग्वेज का टोन पकड़ना ज़रूरी था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रिसर्च हमने की थी कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उनकी बोलचाल कैसी होती है, उनके आपसी इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे होते हैं, सो वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. एंड ऑनेस्टली, जैसे अश्विनी जी ने कहा कि एक चैलेंज एक्टर के पास अगर आप फेंके, यू नो, अगर वो समझदार हो तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट के ही थॉट ऑफ मी टू प्ले दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, बिकॉज बहुत कम लोग वैसा सोचेंगे, यू नो, कि यार श्रेयस को हम इसमें कास्ट कर ले. सो इट्स अ वेरी नॉवल, आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ कास्टिंग. हर एक्टर रुका रहता है ऐसे किसी किरदार के लिए, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट ही थॉट ऑफ मी. सो मेहनत हम सभी ने की और बड़ा मजा आया करने के लिए, क्योंकि आप जब लाइक ही सेड कि कॉमेडी तो हम करते हैं, कॉमेडी इज डिफिकल्ट एंड कॉमेडी इज अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर, बट उसके बाद आप कभी कभी चाहते हैं, यू नो, कि दाल चावल भी खा लिया, अब थोड़ी अलग आलू की सब्जी भी ट्राई कर लेता हूँ. तो मेरे लिए वो आलू की सब्जी वाला क्रेविंग था ये रोल, और मैं खाना भी चाहता था, तो मैंने, यू नो, सारी भड़ास इसमें निकाल दी है. दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म. वन, द डायलॉग हैज बीन रिटन एंड कंसीव्ड एंड शॉट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज नॉट पॉलिटिकल, विच इज नॉट पॉलिटिकल. सो उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए. वो एक किरदार है जो, चूंकि क्या होता है कि जब जीवन में बहुत तरह के जुमले चलते हैं, बहुत तरह की किस्से कहानियां चलती हैं जो आपकी बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं. अच्छे दिन भी हमारे जीवन की बातचीत, जिस तरह से हम लोग रोजमर्रा में बातचीत करते हैं, तो एक बातचीत का एक हिस्सा बन चुका है, जैसे मन की बात भी बन गया है. तो उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए. अगर कल मैं एक फिल्म बनाऊं और उसमें मैं, अगर मेरा किरदार अपनी पत्नी से अगर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात नहीं कह पाता, इसका मतलब ये थोड़ी वो पॉलिटिकल हो गया. सी, सो वो है. सो उसका कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है. नो, आई वाज़न्ट डिसअपॉइंटेड. नो, आई थिंक आई एम समवन जो बहुत ग्रेटफुल है. When I started as a Miss India and a model. मेरे कोई plans नहीं थे acting के, so of course I was very very blessed that I was part of a hit franchise from my very first film. Yes, I was disappointed when Hijack didn't work, because I really did believe in that film. But I got my applause and I got applauded for it and for my character, and I think the film is really nice. I was definitely very excited when I got Setters, because ये पहली non-comedy film है, ये पहली thriller है which I'm doing, and it's the first time I'm doing a serious role, and I'm getting to play a cop, and you know, it's a film with a great content with so I was very very excited that I was chosen to be cast for it. This is not a political film. One,
The dialogue has been written and conceived and shot in a particular context, which is not political. सो उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए. वो एक किरदार है जो, चूंकि क्या होता है कि जब जीवन में बहुत तरह के जुमले चलते हैं, बहुत तरह की किस्से कहानियां चलती हैं जो आपकी बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं. अच्छे दिन भी हमारे जीवन की बातचीत, जिस तरह से हम लोग रोजमर्रा में बातचीत करते हैं, तो एक बातचीत का एक हिस्सा बन चुका है, जैसे मन की बात भी बन गया है. तो उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए. अगर कल मैं एक फिल्म बनाऊं और उसमें मैं, अगर मेरा किरदार अपनी पत्नी से अगर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात नहीं कह पाता, इसका मतलब ये थोड़ी वो पॉलिटिकल हो गया. सी, सो वो है सो उसका कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है.